कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार और मुख्यमंत्री के बैकग्राउंड और नियत और उनके परफॉर्मेंस क्या है? कर्नाटक के सिद्धरामैया जी ने दिखा दिया आपको पैसे का लूट का एटीएम का शुरुआत। आपने कल देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया। और यहां के दावेदार कौन है? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में हम क्या कहें? वो तो और एक एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं। कमलनाथ जी का तो कनेक्शन बहुत ही इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहां से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। तो ये जो मुख्यमंत्री, और फिर राजस्थान में आपने देखा ही है कि अशोक गहलोत जी के ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं कि चारों के चार मुख्यमंत्री दावेदार या मुख्यमंत्री, इनके नियत इनके काम से ये बड़ा स्पष्ट होता है कि इनका लूटना ही इनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। और इससे हम बचें और इसको इनको मध्य प्रदेश में आने ना दें और मध्य प्रदेश को एक एटीएम स्टेट न बनाने का हम एक संकल्प लें। और जो एक ही गारंटी है, जो सच गारंटी है आज के दिन में, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है डेवलपमेंट का, अपॉर्चुनिटी का, युवाओं के लिए स्किलिंग का, एजुकेशन का, यही हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।